आ जाओ दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग आज की सुबह से। तो नमस्कार, राम राम दगड़ियो, क्या हाल है आपके? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी घर में एकदम चकाचक हैं। इस समय सुबह के ठीक 8 बजे हैं और आप मौसम के हाल कुछ इस तरह से देख सकते हो। ये देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं बारिश में। ये आधी अभी नंगी है, अंदर जाओ सुला लगाओ। ये देखिए बिल्कुल कोहरा छा रखा है, इसको कोहरा बोलते हैं दोस्तों हमारे यहाँ, कोहरा। ये धुंध आपको दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार से आज के मौसम का हाल है। आज की सुबह बारिश के साथ शुरू हो रही है, बहुत तेज बारिश हुई आज। लगभग 4 बजे से बारिश हो रही है और इस समय भी हो ही रही है। और शायद मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ लोग कि 2 बजे से हो रही है, तो शायद मैं उठा नहीं था, सोया था। तो 2 बजे से बारिश, चलो उनकी मान लेते हैं। तो ये देखिए इस समय मौसम कुछ इस तरह बिल्कुल धुंध छाई हुई है। यस, कोहरा कक्चा। ये देखिए कुछ मौसम इस तरह का हो रखा है। आज घर जाओ सुना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मेरी छोटी वाली लड़की मेरे साथ आ रही है, आदि नाम है उसका, उसको आरू ही बोलते हैं वैसे और घर में हम प्यार से आदि बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की सुनहरी सुबह, जैसे ही सुबह हम उठे तो बिल्कुल धुंध छाई हुई है और कोहरा लगा हुआ है। और आपको बता दूं ये बारिश बहुत ज़रूरी थी हमारे यहाँ के लिए, क्योंकि बहुत सारी खेती जो लोग करते हैं उसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बिन सिंचाई वाले खेत बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से वो लोग दुआ कर रहे थे इंद्र देवता की कि बारिश हो जाए, तो बहुत तगड़ी बारिश हो गई और सब मज़े से बिल्कुल खुश हो गए हैं। तो ये देखिए मिर्च जो लगाए थे, अगर बारिश नहीं होती तो सूख जाते। तो इस समय इनके लिए खाना भरपूर मात्रा में मिल चुका है, क्योंकि पेड़ पौधों का खाना तो असली बारिश ही है। तो कुछ इस प्रकार से बारिश होने से काफ़ी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं गाँव में, और ये शायद बारिश का मौसम ही शुरू हो गया है, मानसून शायद आ चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। और ये रोटी लेके यहाँ पर आ रखी है। हाय करो, हाय हाय बोल, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। मेरे पापा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और फैला दो इधर उधर, और फैला दो इधर। इसको बोलना सही से नहीं आता है, मुझे बहुत बोलना था इसको। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की हमारी पहाड़ों की सुबह, और काफी आनंद आता है ऐसे मौसम देखने में। और ऐसे मौसम में उधर मत चलो, इधर आओ। ऐसे मौसम में अक्सर लोग जो है कुछ नई डिश ट्राई करते हैं और इन्जॉय करते हैं गांव में, जो कि शायद हम भी आज कुछ नई डिश ट्राई करेंगे बारिश के मौसम में, जो कि ये सब लोग करते हैं। तो मोबाइल में पानी गिर रहा है। तो दोस्तों अभी मेरा हो गया नाश्ता करने का टाइम और मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से मेरा ब्रेकफास्ट, ये देखिए ये रोटी, ये करेले की सब्जी जो मैं कल लाया था, ये देखिए करेले की सब्जी, और चाय रख दी है चूल्हे में बनने के लिए। तो करते स्टार्ट अपने सुबह का लंच और ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी खाओ सुनहरे मौसम में, कुछ इस प्रकार से हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरा ब्रेकफास्ट पूरा हो चुका है, और ये देखिए काला पानी पी रहा हूँ मैं इस प्रकार से। और सुबह सुबह की इस प्रकार के मौसम में चाय का आनंद, ये इस मौसम में नाश्ता हो गया मेरा। और जैसा कि आप देख सकते हो मैं चाय पी रहा हूँ, ये काली चाय, ब्लैक टी के नाम से फेमस, कुछ इस प्रकार से। तो मिलते हैं दोस्तों आज के इस सफ़र में, और आपको मैं दिखाता हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं इन बारिशों में, अक्सर हम क्या करते हैं। यही सब मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए आज के ब्लॉग में। कुछ इस प्रकार का सीन अभी हमारे गांव का, कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है। ये देखिए लोग गानों का आनंद उठा रहे हैं भाई लोगों। और भाई साहब गुड मॉर्निंग,
ये हमारे भाई साहब है यहाँ पे। डांस करो। अबे जोर जोर से डांस कर ए लड़के, डांस करो। ये देखो गाना लगा रहे हैं। हाँ कर, नाचा। अबे तू भी नाच भाई। ये देखिए बच्चे गानों का आनंद उठाते हुए और बहुत सुंदर डांस कर रहे हैं। और भाभी जी कहाँ है? भाभी जी जैसा कि हमको अभी अभी बताया गया है कि घास के लिए गई है। तो इस प्रकार से तो दोस्तों कुछ इस तरह से पहाड़ों में ली मौसम ने करवट और बारिश से भीगता हुआ हमारा ये प्यारा सा गढ़वाल। आप कमेंट्स बॉक्स में आके लिखें आपके शहर का क्या हाल है और टेम्परेचर कितना है। और तो इस प्रकार से यहाँ जो है 0 टेम्परेचर। और तो दोस्तों इस समय शाम के बजे हैं ठीक 5 और मैं हूँ अपनी गौशाला में। तो दोस्तों आप इस समय देख सकते हो, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको कुछ, ये है पत्थर। पत्थर बोले तो इनसे हमारे यहाँ घर बनते हैं, मकान बनते हैं। ये देखिए कितने सारे पत्थर हैं, ये वहाँ से लेकर और पूरे यहाँ तक देखिए, ये देखिए इतने पत्थर। आप यकीन कर सकते हो क्या? ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी लाया इनको। और इन पत्थरों का साइज के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये हकीकत बात है। ये जितने भी पत्थर है ये सब मेरे पापा ने खुद लाया है और बहुत दूर दूर से ये पत्थर उन्होंने इकट्ठा किया है। ये पत्थर इकट्ठा करने के पीछे का कारण तो आप समझ ही गए होंगे, ओनली और ओनली घर बनाना है। कि यहाँ पे जो है ये घर बनाने के लिए पत्थर इकट्ठा कर रखे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये पत्थर इतने नज़दीक से नहीं, ये पत्थर बहुत दूर दूर से आए हैं। कम से कम आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पर पत्थर लगभग 5 किलोमीटर दूर से आया है। और ये सारे पत्थर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक आदमी ने इनको इकट्ठा किया है। तो आप समझ सकते हो कितने मेहनती हैं यहाँ के लोग। और जैसा कि आपको शायद पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा जो है ये ITBP से रिटायरमेंट है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस से। तो ये जो आर्मी और फोर्स से रिलेटेड लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार से ये घर में भी जब रिटायर होते हैं तो बहुत मेहनती रहते हैं, घर में खाली नहीं रह सकते। तो उन्होंने एक रूट बना लिया रोज़ रोज़ एक एक पत्थर लाने का और इस तरह से उन्होंने ये सारे पत्थर इकट्ठा कर दिए। ये बहुत मात्रा में इकट्ठा है, इससे तो लगभग बहुत अच्छा और खासा अच्छा बड़ा मकान बन सकता है। और आपको कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी बिल्डिंग दिखाई देगी जिसका कि हमारा प्लानिंग चल रहा है। आपके मन में भी कोई सजेस्ट हो अगर और कोई पर्सनल नक्शा हो आपकी नज़र में कि आप जैसे कि देख सकते हो वीडियो में कितनी ज़मीन है वहाँ, वो गौशाले से लेकर और ठीक यहाँ तक जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग ये अगर शहर की तुलना में देखा जाए तो लगभग ये 1.5 बीघा के लगभग ये जगह है जिसमें कि ये घर बनाना है। हमको नया घर बनाना है गाँव में। ये घर तो जैसे कि आपको जहाँ से मैं पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ वो है हमारा। कभी एक दिन मैं स्पेशल आपको घर का टूर कराऊँगा आपको और उसमें आप देख सकते हो कि हम कैसे घर में रहते हैं गाँव में। तो यहाँ पे भी ये हमारा नया मकान बनाने का प्लान है जो कि बहुत जल्दी बनने वाला है। अब इसमें ज़्यादा लेट शायद ना हो क्योंकि अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सजेस्ट करें कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। अगर आपके मन में भी कोई इसका ड्राफ्ट है, नक्शा है तो कृपया मेरे को भेजें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें या मेरे को ईमेल आईडी पे मेल करें। जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे पत्थर हैं।
देखिए, और इतने इन पत्थरों का वेट वेट की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है इनकी वेट। लगभग लगभग कोई कोई पत्थर तो यहाँ आपको 80-80 किलो का मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा 80-80 किलो का। और ये देखिए बीच में सब्जी भी हमने उगा रखी है, ये कद्दू, ककड़ी और करेला और ये लौकी, कुछ इस तरह की सब्जियां मेरे पापा ने यहाँ पे उगा रखी है। ये खुद ही उन्होंने कर रखी है, उनको इस काम में मैंने खुद भी सपोर्ट नहीं किया है, वो खुद ही ये काम करते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं, एक्टिव रहते हैं बिल्कुल। और लगभग लगभग 75 साल उनकी एज है अभी इस टाइम, फिर भी बहुत एक्टिव रहते हो। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल मतलब खाली रहते नहीं है अभी। ये देखिए, अगर आप ये बीच में देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं बीच में क्या है, ये है बजरी। लगभग ये उन्होंने खुद ही तोड़े है, ये पत्थरों से तोड़ तोड़ के ये बजरी बना रखे हैं। तो ये कम से कम अंदाजन लगभग 200 कट्टे बजरी है इसमें इकट्ठा किया है, क्योंकि जब ये घर बनाएंगे तो ऊपर से लेंटर पड़ेगा, उसमें ये बजरी यूज होंगी, तो उतना पैसा सेव होगा। अभी जैसा कि आप समझ सकते हो कितना ये पत्थर, अगर हम दिहाड़ी में सराते कहीं से और कहीं से अगर मजदूरी में सराते तो कम से कम भाई लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1.5-2 लाख रुपए इन पे हमारा खर्चा हो जाता है, जो कि खुद की मेहनत से ये सेव किया है। और वैसे ये कम से कम 20-25 हज़ार की जो ये रोड़ी खुद ही तोड़ के रखी है, और उन्होंने ही तोड़ी है एक अकेले आदमी ने। तो आप समझ सकते हो कि 75 साल के बुजुर्ग युवा बुजुर्ग भी हमारे गाँव में किस प्रकार से मेहनती होते हैं। तो और उसके विपरीत भी कुछ फैक्ट है, मैं दिखाता हूँ जवान लोग हमारे गांव में क्या करते हैं। ये तो जो हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पुराना राशन खाया है एक तरह से, कितने मेहनती है वो, ठीक है। लेकिन उसे उसके डबल रोड में अभी मैं कैमरा उस साइड घुमाऊंगा और आज के अपने गाँव के युवाओं का थोड़ा आपको चित्रण करूंगा कि देखो फ्री टाइम में वो क्या करते हैं। ये देखिए ये दो युवा बैठे हैं, ये फ्री टाइम में भाई लोगों यही काम है इनका, ठीक है, बस बैठ गए और अभी मेरे किसी को भी काम नहीं करने देते, जबरदस्ती बिठा देते हैं, अरे भाई कुछ काम करो, समझाते थक गए। लेकिन क्या करें आप भाई लोगों, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कुछ गलत मत समझना, ये मनोरंजन के लिए खेलते हैं, बाकी इनका कुछ मकसद नहीं रहता है। वैसे ये गाँव में मनोरंजन के लिए लगभग सभी खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और ये फ्री क्योंकि आज बारिश का टाइम है, तो मैंने बोला ना बारिश में लोग कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए करते रहते हैं। और ये जगह आप ऊपर देख सकते हो, ये खाली जगह बना रखी है, हमारे गांव के प्रधान जी की जगह है ये। तो ये भी यहाँ पे मकान बनाने की तैयारी में है इनका, तो मटेरियल लगभग ये तैयार कर रहे हैं अभी आजकल। और ये देखिए, मैं अपने पापा को दिखाता हूँ तुमको, ये खड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए मेरी तरफ नज़र लग रही है उनके, खड़े हैं यहाँ पे सब्जी की चौकीदारी करने के लिए आ रखे हैं भाई लोगों। ये देखिए बिल्कुल ये एक इंस्पेक्टर की तरह सब्जी की जांच करते हैं। ये देखिए देख रहे हैं बिल्कुल, कहीं किसी छिपकली ने कुछ खाया पिया तो नहीं, ये कचरा देखिए उठा रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हो। ये देखिए ये पन्नी दिखाई दी उनको, तो उसको उठा रहे हैं वहाँ से, अभी देखते हैं। मैं वो रेख देख करने के लिए आ रखे हैं इस समय, शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा रही होगी, थोड़ा मैं दूर से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए कुछ देख रहे हैं वहाँ पे, वो कुछ सर्च कर रहे हैं, शायद कुछ ढूंढ रहे हो। और ये देखिए हमारे यहाँ लकड़ियाँ जिनमें कि हम खाना बनाते हैं, बहुत सारी यहाँ पे खड़ी कर रखी है। तो आज मैंने आपको दिखाया अपने घर के लिए जो इकट्ठा किए हमने, और ये हमारा गौशाला सामने इकट्ठा किए, देखिए और पत्थर यहाँ भी है। और ये जगह बिल्कुल हमारे पानी के सामने है, ये हमारे गांव का पानी की मेन लाइन है, और ये डिग्गी है जहाँ भी ये दोनों युवा जो है अपने टाइम पास पे लगे हैं। और कुछ इस तरह से हमारे गांव का व्यू दिखता है यहाँ से, ये देखिए कुछ इस तरह से देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे। और आप यकीन मानिए भाई लोगों, जब यहाँ पे एक घर बनेगा, अच्छे से घर बनेगा, तो कितना सुंदर दिखाई देगा। आप जब मैं घर बनाऊंगा यहाँ पे, तो पूरा टूर आप अपनी वीडियो में मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से नज़ारा, और इन पहाड़ों के बीच में एक नया घर होगा हमारा। तो कुछ इस प्रकार का सपना है हमारा, जो कि बहुत जल्दी सच्चाई पे जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो इस समय शाम के नज़ारे। तो मिलते हैं भाई लोगों, ब्लॉग में बने रहिए। तो इस समय ये हमारे गांव का सनराइज होने का टाइम है, देखिए
आप देख सकते हो इस साइड से सनराइज होता है यहाँ, और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा होता है जब सनराइज होता है पहाड़ों में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहाड़ तक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों।